आई एम किशन बाराई फ्रॉम बाराई ओवरसीज और आज हम समझते हैं वेसल स्केड्यूल। राइट, वेसल स्केड्यूल दोस्तों ट्रेन के स्केड्यूल या प्लेन के स्केड्यूल जैसा नहीं होता। राइट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसको समझना भी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। राइट, सिर्फ आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी आप किसी CHA से राइट आप अप्रोच करते हो तो वो इस तरीके का एक्सेल फाइल या ईमेल में आपको भेजते हैं वेसल का स्केड्यूल। राइट, और इसमें से आप वेसल बुक करा सकते हैं और फिर जो है आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। राइट, तो ये चीज़ हम समझते हैं वेसल स्केड्यूल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अलग अलग वेसल दी गई है। राइट, फिर यहाँ पर टर्मिनल है। राइट, टर्मिनल इज अ प्लेस राइट जहाँ पर इनसाइड द पोर्ट और एट पोर्ट जहाँ पर राइट आपका वेसल का बर्थ होगा, बर्थिंग ऑफ द वेसल, दैट मीन्स कि वेसल आएगा राइट एंड फिर उसका यहाँ वहाँ से गुड्स भरा के एक्सपोर्ट होगा। राइट, सर्विस ऑपरेटर्स आर नथिंग बट जस्ट एन काइंड ऑफ एन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हु आर हैंडलिंग द शिपमेंट। अब यहाँ से चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए आती है, वो है ETA। ETA मतलब दोस्तों एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, कि वेसल कब आएगा, कौन से डेट पे आएगा, राइट, नेक्स्ट वेसल कब है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे BSL लेसिमोल V2213E राइट, ये जो है 28 जून को ये आएगा। राइट, वेसल एट दी पोर्ट वो मंडे है। और ये ETD यानी कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, यानी कि ये वेसल निकल जाएगा राइट उसमें से सामान लोड करवा के, तो कब निकल जाएगा, 29 जून को वो चला जाएगा। राइट, ये डिपार्चर का टाइम है, जैसे ट्रेन का होता है ना अराइवल डिपार्चर, ये ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो 29 जून को जाएगा राइट और 28 जून को आएगा, तो हम 28 जून को पोर्ट में उससे पहले पहुंच जाते हैं या 28 को पहुंच जाते हैं। जी नहीं दोस्तों, राइट, यहां पर आपको थोड़ा और अर्ली प्रोसेस करना पड़ता है। राइट, एंड टाइम में, कट ऑफ टाइम में आप 29 को पहुंच गए राइट पोर्ट में, तो आपका कार्गो रिजेक्ट भी हो सकता है राइट, और आपको आपको काफी चार्जेस होंगे इसके लिए, और आपको एक्स्ट्रा वहां का वेयरहाउस कॉस्ट भी देना पड़ेगा, नेक्स्ट वेसल में भी बुक कराना पड़ेगा, और हो सकता है आपके गुड्स पेरिशेबल हो तो खराब होने शुरू हो जाए। इसलिए आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है जब आप पूरा कंटेनर शिप करते हो। अब यहां पर चीज आती है, वो है पोर्ट गेट ओपन। गेट ओपन का मतलब क्या है दोस्तों, कि गेट आपके लिए खुल गया राइट, पोर्ट का दरवाजा खुल गया, इसको काफी लोग गेट इन भी बोलते हैं ठीक है। तो ये आपका 24 जून को ये समय से आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा राइट, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कंटेनर CHA से पहले ही बुक करा के एज ए स्टार्टअप राइट, या फिर आपके बल्क लोड है तो डायरेक्ट शिपिंग लाइन से आप बुक करा सकते हैं, आपके कंटेनर्स जो है वो स्टफ हो जाने चाहिए और 24 जून को से पोर्ट का दरवाजा जो है वो खुल जाएगा। लेकिन ये किसके लिए, ड्राई कंटेनर के लिए राइट। ड्राई कंटेनर यानी कि जिसमें आप ज़्यादातर वीट फ्लोर बेचते हैं या फिर एलिफेंट यम्स बेचते हैं, तो उसमें रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ती राइट। ड्राई डिब्बा होता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, हार्डवेयर प्रोडक्ट है, तो ये 24 जून को ड्राई कंटेनर के लिए दरवाजा पोर्ट का खुल रहा है। 25 जून को रीफर कंटेनर के लिए खुल रहा है राइट, 25 जून को रीफर कंटेनर के लिए पोर्ट का दरवाजा खुलेगा। तो वहां से आप जो है 25 जून को प्लानिंग करिए कि एटलीस्ट आपका 25 या फिर 26 तक आपका गुड्स वहां पर पहुंच जाए राइट। अब पोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा आपके लिए राइट, क्लोजिंग डेट राइट। तो ये दरवाजा आपका बंद होगा 27 जून को राइट, ये टाइम से आपके लिए दरवाजे पोर्ट के बंद। हालांकि देखिए, वेसल जो है वो 28 तारीख को आने वाला है, जाना 29 को है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो दरवाजे हैं वो 27 तारीख से ही बंद कर दिए गए हैं राइट। तो मेक श्योर कि आप आखिरी के टाइम पे, होता है कभी कि राइट कि आखिरी के टाइम पे पहुंचता है, चीजें गड़बड़ा जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड द वेसल शेड्यूल एट फर्स्ट, अपने CHSA मांगिए आपको देते ही हैं राइट। और ये चीज़ आपको कुछ जैसी वेबसाइट है कोकोपोर्ट जैसी, वहाँ पर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे राइट, या फिर आप उनको मेल भी कर सकते हो, आपको ये मिलेगा राइट। तो ये चीज़ आप स्टडी करिए और फिर बुक करिए। फिर आगे बात आती है एडवांस लिस्ट कट ऑफ राइट। तो जैसे यहाँ पर कट ऑफ का डेट भी बताया गया है
दैट इज़ दी 27th June, राइट। इसका मतलब ये होता है कि खास करके जो आपके एक्सपोर्ट्स के रिक्वायरमेंट है, जो शिपमेंट के रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, क्लियरेंस लाइसेंस वगैरह, ये डेट से पहले आपका हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारे CHF फाइल करते हैं शिपिंग बिल, राइट, जो आइसगेट के वेबसाइट से फाइल किया जाता है, राइट, अपना शिपिंग बिल, तो जो अब हमने 1 to 20 वीडियो सीरीज में आपको डिटेल से शिपिंग बिल के बारे में भी बताया है, राइट, तो वो आपका 27 जून से पहले फाइल हो जाना चाहिए, राइट, अपना शिपिंग बिल। तो आप जो है आपका कंटेनर 29 को, राइट, लोड हो सकता है, या फिर जब वेसल आ जाए 28 के टाइम पे लोड हो सकता है, और 29 को तो वो निकल जाएगा प्रोसेस को ख़त्म करते, राइट। तो ये चीज़ आप समझिएगा, राइट, और फिर जो है अपने आगे एडवांस स्टेप्स लीजिएगा। और अगर आप अपना पोर्ट विजिट करना चाहते हैं तो आपको गेट पास बनवाना पड़ेगा, इसके लिए आपको CHA हेल्प कर देगा, राइट, गेट पास बनवाने के लिए, और आप जो है अपना पोर्ट पूरा विजिट कर सकते हैं, अपना गुड्स को ठीक से देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। दिस इज किशन बराय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।